बात करने जा रहे हैं। ये शुरुआत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। कम से कम सैकड़ों बार मैंने धरना प्रदर्शन घेराव कानूनी तौर से ये बहुत बार किया है। ये लगातार और केवल मिल्कीपुर ही नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई है। आज नेताजी इस देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक संघर्ष के प्रतीक थे। हम लोग उनकी कोख से, उनके स्कूल से, उनके विचारधारा से बड़े हैं। तो हर मुद्दे पर, चाहे मिल्कीपुर रहा हो, चाहे जन जिला का, प्रदेश का, जहां हर जगह संघर्ष करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो ये कहना कि मिल्कीपुर की हमारी नई शुरुआत है, ये कह सकते हो आप कि सांसद बनने के बाद की शुरुआत, ये हम मान सकते हैं। लेकिन संघर्ष का भैया, लोकसभा चुनाव में इस बार कौन कौन सी चीजें यहाँ के अयोध्या से जुड़ी हुई, कौन ये जब उठाएंगे तो आप भी जानोगे, सारा देश जानेगा, सारी दुनिया जानती। अब आपको आपको पहले बता दें, आपको पहले जनहित के जितने मामले हैं, जनहित के और अयोध्या जनपद के विकास के, और लोक तुल्य जनता जिसने हमें वोट दिया है, उनके सम्मान में, विकास में जो भी मुद्दे सब हैं, वो सारे मुद्दे लोकसभा में हम उठाएंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कि बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ा पैकेज देंगे उन लोगों को, बड़ा पैसा देंगे, कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बड़ी सभा, समाजवादी पार्टी बड़ी सभा शब्दों से बड़ी कहने से बड़ी हो जाएगी। आए तो थे, कुमारगंज में आए थे, पूरे ब्लॉक के क्षेत्र के सब बच्चों को बुलाया गया था, बच्चों के एक गिलास पानी तक नहीं मिला, और कहा गया सबको नौकरी मिल जाएगी, स्कूल बंद करा गया। ये सब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चाहे सौ बार आवे, आगे विधानसभा में नहीं आए थे, बोलो चार पांच सभा के हरे कि नहीं, हम जीतेन कि नहीं, लोकसभा में नहीं आवा रहे, हम जीतेन कि नहीं, बोलो। तो इसलिए भैया ऐसा है, उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं। जय बार आदरणीय योगी जी आएंगे, तय बार 1000 वोट कम होगा और समाजवादी पार्टी बढ़ेगा और बीजेपी कम होगी। समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने में मुश्किल होगी या मुकाबला कड़ा होगा? कोई मुकाबला नहीं है, तुम लड़ा चाहो तुम आगे लड़ो। अगर जमानत जवाब, अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी जमानत बचा लेगी तो दुनिया में एक अजूबा मानना। जमानत नहीं बचा पाएगी, अरे उम्मीदवार तो दे ही नहीं पा रहे यार। आप बात करते हो कड़ा मुकाबला, कैसे कड़ा मुकाबला भैया, कौन मुकाबला कड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला वही देखो, कहा तो है 400 के पार है, 400 के पार आधो नहीं पाई। अरे शुरुआत हो रही है इनके सफाया की, उसकी खुशियां मनाओ। आप लोगों अच्छे दिन आ रहे हैं, 27 में चांदी रहेगी, आप लोग भी सम्मान रहेगा, आदर है। दावा कर रहे हैं जीतने का है, 10 का 10 सीटों का दावा, कौन हम कर रहे हैं, फौज उतार दी फौज, जब भी ऐसा है उसमें तमाम ऐसे फौज के लोग आए हैं जो लोकसभा में अपना विधानसभा बुरी तरह हार के आए हैं। लोकसभा में, लोकसभा चुनाव होना ना, भी बहुत विधायक कहीं गए हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस सरकार की नाकामयाबी, सबसे बड़ा मुद्दा सरकार द्वारा विकास के कामों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया, हमारे निर्माण कार्यों को रोका गया है, रोजगार, महंगाई, साढ़ मुद्दा रहेगा। यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, सूर्य
प्रतापशाही जिसको जिम्मेदारी दी गई है कंपेन की, उन्होंने पत्रकारों ने सवाल पूछा कि यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे फल वितरण करने तो वितरण पे पत्रकारों ने सवाल उठाया कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ के जो डॉक्टर है बाहर की दवा लिख रुक जाए बाहर की जो दवा लिखते हैं 25-25, 26-26 की जो डॉक्टर है वहाँ कमीशन लेते हैं तो उन्होंने कहा ये आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से की मानसिकता से जुड़े हुए हैं। कहो घबराओ नहीं, बहुत जल्दी सारा समाज सारा देश समाजवादी हो जाएगा, चिंता न करो। आपको ये कहना चाहिए था चिंता न करिए, सारा प्रदेश समाजवादी हो जाएगा, आप चिंता न